हेलो एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए फिर अपने बुक्स ओपन कर लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है। सपोज दिस इज मीडियम वन, यहां पर है मीडियम वन और यहां पर है मीडियम टू। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम मीडियम वन और यहां पर जब इंटरफेस पे गिरेगा, सो व्हेन लाइट एंटर्स इनटू मीडियम टू, लाइट क्या होगा, बेंड होगा। सो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक से देखो, यहां पर दिस इज इंसिडेंट रे। सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जहां पर वो लाइट गिर रहा है मीडियम के इंटरफेस पे, वहां पर विल ड्रॉ परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है क्या ये? अब ये परपेंडिकुलर है शायद से, जा परपेंडिकुलर, यस अभी परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का एंगल विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, ये जो लाइट है दैट इज गोइंग टू बेंड, ये बेंड होगा। देख, अगर मीडियम नहीं होता तो रे सीधा जाता। ठीक से सुना, अगर मीडियम नहीं होता तो रे सीधा जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ मीडियम दिस लाइट इज गोइंग टू बेंड। कहां पर? ये मीडियम टू में। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, बराबर। और मीडियम की प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड लाइट। जो मीडियम लाइट को जितना बेंड करेगा उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, आई is called as angle of incidence, R is called as angle of refraction। ठीक है, यहां पर ना और एक टर्म इंपॉर्टेंट है। कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है? सी, अगर मीडियम नहीं होता तो रे कैसा जाता? सी, अगर मीडियम नहीं होता तो ये रे सीधा जाता ऐसे। That means ये ray bend हुआ है। देख, अगर medium नहीं होता तो ray ऐसा सीधा जाता। Because of medium ray थोड़ा सा bend हुआ है। कितने angle से bend हुआ है? See, ray जो है, मुझे बताओ इतने angle से bend हुआ है? So this angle is called as delta. Delta is called as angle of deviation. ये होगा अपना angle of deviation. Am I correct? ठीक है, अभी इसके कुछ properties देख लो। When light travels from medium one to medium two, तो सबसे पहले देखो speed of that light is going to change. तो ये properties याद रखो, speed जो है वो change होगा। ठीक है, अभी depending upon rarer medium है या denser medium है। मतलब ये rarer denser मतलब अपना ये mechanics का वो density वाला rarer denser नहीं। This is optical density. Optical denser, optical rarer. मतलब जहां पर light fast तेजी से चला जाता है that is rarer medium. और जहां पर लाइट एकदम धीरे 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 जाता है दैट इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। करेक्ट, ठीक है। तो स्पीड चेंजेस, रेरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है। वेवलेंथ चेंजेस, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होगा। व्हेन लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वेवलेंथ चेंज होगा। वेवलेंथ कैसे चेंज होगा ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी जो है That depends on source, ये याद रखो। Frequency जो है वो हमेशा source पे depend करता है। यहाँ पर क्या है? Source मतलब जिसने light को produce किया है, वो तो same है। सिर्फ light एक medium से दूसरे medium में travel कर रहा है, लेकिन जिसने light को produce किया है वो same रहेगा। Therefore frequency remains same. So when light travels from one medium to another medium, frequency same रहेगी। Clear है? ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ वन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। मतलब ये प्लेन में अगर इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में सब लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहां पर आया, रिफ्रैक्टेड रे यहां पर गया और नॉर्मल ये वाले प्लेन में होगा, ऐसा नहीं होगा। तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सारे क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे।
सेकेंड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दे ऑलवेज लाई ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. ये बेसिक दो प्रॉपर्टीज. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या है देखो, स्नेल्स लॉ इज, ये देखो एकदम इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, अभी व्हाट इज म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दिस इज, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. टू विथ रिस्पेक्ट टू वन हमेशा याद रखो, ये नीचे वाले को पहले रीड करेंगे, बिकॉज हम लोग जब नोटेशंस में ये लिखते हैं इसका मीनिंग देखो क्या है. ऊपर हम लोग हमेशा वो मीडियम लिखेंगे जहां से लाइट इज कमिंग. पूरे चैप्टर में याद रखो, ऊपर हमेशा वो मीडियम होगा जहां से लाइट इज कमिंग, और नीचे हमेशा वो मीडियम होगा जहां पर लाइट इज गोइंग. ठीक है, जिस मीडियम में लाइट गोइंग है, मतलब जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगा उस मीडियम में लाइट इज गोइंग टू बेंड. इसलिए हम लोग उस मीडियम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बिकॉज उस मीडियम में लाइट बेंड होगा, और बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो हमेशा हम लोग पहले क्या रीड करेंगे, नीचे का मीडियम रीड करेंगे. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन. लेकिन ऊपर हमेशा क्या लिखेंगे, वो मीडियम जहां से लाइट इज कमिंग, नीचे लिखेंगे वो मीडियम जहां पर लाइट इज गोइंग. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, कि एक मीडियम दूसरे मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, अगर मैं सिर्फ म्यू टू लिखूं, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हेनेवर वी राइट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मैंने क्या लिखा है सिर्फ टू, उसका मतलब है लाइट कहां से आ रहा है, लाइट एयर से आ रहा है. मतलब जब भी हम लोग ऊपर कोई मीडियम नहीं लिखेंगे उसका मतलब होगा लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर, या फिर हम लोग बोलेंगे वैक्यूम और वैक्यूम. लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब अगर मैं बोलूं म्यू ग्लास, तो ये सिर्फ म्यू ग्लास है, मतलब ग्लास में लाइट इज गोइंग टू बेंड, और लाइट कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है. अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऊपर वाटर लिखूं, इसका मतलब होगा लाइट वाटर से आ रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. अभी देखो स्नेल्स लॉ क्या है. अगर मैं लिखूं म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम वन एंड इट इज गोइंग इनटू मीडियम टू, तो हम लोग लिखेंगे सी स्नेल्स लॉ होगा साइन आई अपॉन साइन आर. आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मीडियम वन में होगा, इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में. साइन आर, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मीडियम टू में होगा, विच इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्ट, विच विल बी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे. सो म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज साइन आई अपॉन साइन आर. अभी ट्रिक देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, वी अपॉन वी इक्वल टू लैमड़ा अपॉन लैमड़ा. मैंने क्या बोला था कि स्पीड चेंज होगा, लैमड़ा चेंज होगा. अभी देखो ट्रिक, ऊपर वन लिखा है नीचे टू लिखा है, तो ऊपर वी वन नीचे वी टू, ऊपर लैमड़ा वन नीचे लैमड़ा टू. तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड और वेवलेंथ के बीच में. फ्रीक्वेंसी यहां पर नहीं आएगा, बिकॉज हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. एम आई क्लियर, एकदम सिंपल. अभी देखो यहां पर और एक चीज, हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं, हम लोग रीड करते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन. तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, टू को, इसलिए म्यू टू अपॉन म्यू वन. तो ये जो ब्लॉक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एम आई क्लियर, ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर क्या होगा. ठीक है, तो केस वन, सपोज इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ठीक से देखो, एकदम डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे. आई होप कि तुम लोग यहां पर नोट्स बना रहे हो. इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देखो लाइट आया रेरर मीडियम से, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल, करेक्ट, ये हुआ अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर मीडियम नहीं होता
तो ये रे जाता सीधा, बराबर। अगर मीडियम नहीं होता ये रे जाता सीधा, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी बनता आई, करेक्ट है। ठीक से सुनो, अभी सी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर स्नेल्स लॉ का ये पार्ट देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, वी वन मतलब इस मीडियम में स्पीड, वी टू मतलब इस मीडियम में स्पीड, करेक्ट। ठीक है, सी रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है, तो मैं ऐसे बोलू वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो लेफ्ट हैंड साइड का साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आर। देख सही बोल रहा हूं क्या मैं, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर है, देयरफॉर आई ग्रेटर देन आर बोलू, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होगा, देयरफॉर ये जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तभी ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। देख लॉजिक समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर। मतलब क्या, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वो जो लाइट है दैट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। अभी टूवर्ड्स नॉर्मल का मीनिंग क्या है, देख अगर मीडियम एबसेंट होता तो ये रे ऐसे जाता सीधा। अभी नॉर्मल देख किधर है, नॉर्मल इस तरफ है, देख लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ है, देख करेक्ट है। तो ये बाहर कर लो कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, और कितने से बेंड हुआ देख, मुझे बता क्या लाइट इतने एंगल से बेंड हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, एम आई करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन देख सबके बीच में, मुझे बता जैसे कि अभी मैंने बोला ये स्ट्रेट लाइन है ये ऐसा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मुझे बता आई विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन होगा आई माइनस आर, एम आई क्लियर। एकदम सिंपल सी चीज, दैट मींस यहां पर लिख लेता हूं मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो लिख लेता हूं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एकदम सिंपल। ठीक है, ओके, अभी केस टू करते वेयर लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर मीडियम एब्सेंट होता तो ये रे जाता सीधा, करेक्ट। ठीक है, फिर से स्नेल्स लॉ लिख लेते, ऊपर क्या था अपना साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, अगेन जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया है लाइट का स्पीड रेयरर में ज्यादा होता है, तो यहां पे रेयरर कौन है, वी टू है, सो वी वन इज लेस देन वी टू, सो वी वन अगर वी टू से कम है तो साइन आई जो है That will be less than sin r. Therefore, angle of incidence इस केस में angle of refraction से छोटा होगा. Therefore, अभी देख अच्छे से, light जो है, मुझे बता, अगर इस तरफ bend होगा, और ये अपना r होगा, तभी r will be greater than i. That means, when light is traveling from denser medium to rarer medium, ये जो ray है, that will bend away from normal. That will bend away फ्रॉम नॉर्मल, देख सही है क्या, फिर से एक बार, अगर मीडियम एबसेंट होता तो ये रे जाता सीधा इधर से ऐसे सीधा, लेकिन गया है ऐसे, तो देख नॉर्मल इस तरफ है और ये गया है इस तरफ, दैट मीन्स इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, एम आई क्लियर। ठीक है, और कितने एंगल से बेंड हुआ है, देख इतने एंगल से बेंड हुआ है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, करेक्ट। तो यहां पर देखा भी ये जो एंगल है ये वाला सेम, अगेन एज यूजुअल ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये जो एंगल है दिस एंगल विल बी इक्वल टू आई, बराबर ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अभी ये एंगल है आई, देख क्या यहां पर सेम, ये जो आर है ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल इज आर, तो मुझे बता ज्योमेट्री से ये जो आर है इज दिस आई प्लस डेल्टा, तो डेल्टा कितना आएगा देख आर माइनस आई। ठीक है, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ऊपर के केस में क्या था, डेल्टा वाज आई माइनस आर, इस केस में डेल्टा इज आर माइनस आई, तो इन जनरल आई कैन राइट डेल्टा एज मॉड ऑफ आई माइनस आर, मतलब
आई माइनस आर कर या आर माइनस आई कर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लो ये चीज कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज ओनली आई माइनस आर का मॉड, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और डिपेंडिंग अपॉन रेरर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेरर जा रहा है, हम लोग बोलेंगे इतने एंगल से, ये जो डेल्टा एंगल है इतने एंगल से रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल या इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ज्यादा सोचना नहीं है कि लाइट कहां से आ रहा है, रेरर से या डेंसर से, सीधा आई और आर का सब्ट्रैक्शन करो, दैट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। सही है, वेरी गुड। तो इस पर हम लोग थोड़े से बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते, पहले अंडरस्टैंड करते और फिर कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर, करेक्ट। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक एक करते इमीडिएटली। सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अभी मैंने क्या बोला, व्हेनेवर वी हैव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर अगर कुछ नहीं होगा तो उसको हम लोग पकड़ेंगे एयर, करेक्ट। तो फॉर्मूला कैसा था, देख हम लोग लिखते वी अपॉन वी, ऊपर कौन है एयर, तो यहां पे आएगा एयर, नीचे कौन है वाटर, यहां पर आएगा वाटर। ये हुआ फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मतलब ही एयर या वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दिया है 2.25 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, करेक्ट। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा, ऊपर कुछ भी नहीं दिया है मतलब दिस इज एयर, तो ये होगा वी अपॉन वी, ऊपर है एयर नीचे है ग्लास, तो एयर में स्पीड होता है 3 × 10⁸, ग्लास में स्पीड दिया है 2 × 10⁸। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, करेक्ट है। और लास्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी वी अपॉन वी, ऊपर कौन सा मीडियम है वाटर, तो पहले वाटर, नीचे कौन सा मीडियम है ग्लास, और डेटा गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸, और ये है 2 × 10⁸। जो कुछ भी आंसर आएगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में लैम्डा गिवन है। सी, लैम्डा ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन, और हमको फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। तो कैसे करेंगे, देख अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन, ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब दिस इज एयर, करेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे लैम्डा अपॉन लैम्डा, ऊपर है एयर नीचे है डायमंड, सो लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा डायमंड। हमको फाइंड करना है लैम्डा इन डायमंड, तो ये होगा लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड व्हिच इज 4800 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2.4। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन एंगस्ट्रॉम। तो ये हुआ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड, इजी है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। यहां पर दो इंटरफेसेस है, एक ये इंटरफेस है, एक ये इंटरफेस है। प्रॉब्लम में क्या गिवन है, सी वी हैव टू फाइंड ये फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो यहां पर लाइट दो बार बेंड हो रहा है, एक बार लाइट इधर बेंड हुआ, करेक्ट, और एक बार लाइट इधर बेंड हुआ, मतलब यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे दो बार, एक बार यूज करेंगे इस सरफेस के लिए, यहां पर फॉर सरफेस वन, तो इस सरफेस को मैं सरफेस वन बोल देता हूं। तो सी यहां पर क्लियरली लिखता हूं फॉर सरफेस वन, फॉर सरफेस वन। अभी देख फॉर सरफेस वन इक्वेशन कैसे लिखो, म्यू, लाइट कहां से आ रहा है, मीडियम वन से आ रहा है, और लाइट कहां पर जा रहा है, मीडियम टू में जा रहा है, ये वाला, ये केस में वन से आ रहा है टू में जा रहा है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देख ये हुआ अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दिस इज साइन आर, सही लिखा है मैंने, ठीक है। अभी देख सिमिलरली सरफेस टू के लिए, ये सरफेस टू के लिए,
सरफेस टू के लिए ऐसे लिखू क्या मैं, सरफेस टू के लिए म्यू, अभी देख ये जो इंटरफेस है यहां पर लाइट कहां से आ रहा है, यहां पर लाइट मीडियम टू से आ रहा है इधर से और मीडियम वन में जा रहा है, तो ऊपर हमेशा वो मीडियम लिखते जहां से रे इज कमिंग, नीचे वो मीडियम लिखते जहां पर लाइट इज गोइंग, करेक्ट। तो इसके लिए ऐसे लिखो दिस विल बी साइन, सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस ये एंगल कितना होगा देख, यहां पर अगर तुम लोग देखोगे अच्छे से तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो मुझे बता क्या ये भी एंगल आर होगा, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये होगा, अभी देख फॉर सरफेस टू ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बिकॉज ये रे इज रे इंसिडेंट रे और ये जो रे है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होगा, आर विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होगा, E will be angle of refraction. Am I clear? ठीक है, अभी surface one का equation देख, ये जो चीज है ये चीज इसको कैसे read करते हैं, refractive index of 2 with respect to 1, तो इसको ऐसे लिखो refractive index of 2 upon refractive index of 1, ये होगा sin I upon sin R. Similarly यहां पर second इसको कैसे read करेंगे, refractive index of 1 with respect to 2, so this is refractive index of 1 upon the refractive index of 2, this will be sin R upon sin E, correct है? अभी last step में देख, इसको अगर मैं उल्टा करूं, mu 2 upon mu 1 is equal to ये होगा sin E upon sin R, correct है? तो देख, ये equation 1, ये equation 2, दोनों का LHS same है, तो दोनों का LHS same है, तो दोनों का RHS भी same होगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर कैंसिल होगा, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो मुझे बता आई विल बी इक्वल टू ई, एम आई करेक्ट, सही लिखा मैंने, दैट मीन्स अगर पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, इक्वल होंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये याद रखो, पहला मीडियम और लास्ट मीडियम अगर सेम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और लास्ट वाला जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर ना एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं और फिर कुछ अच्छे से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉपर्टी देखो यहां पर, अभी जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया प्रॉब्लम में उसी से लेके एक प्रॉपर्टी है, सपोज दिस इज म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, करेक्ट, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, पहले रीड किया म्यू टू इसलिए म्यू टू पहले लिखेंगे, मुझे बता इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू, उल्टा किया सिर्फ उसको, नेक्स्ट मुझे बता सिर्फ डिनोमिनेटर में देख, ठीक से देखो नीचे क्या लिखा है, म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू, सी म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या होता है, म्यू वन अपॉन म्यू टू, मतलब म्यू वन अपॉन म्यू टू जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, That means, अगर mu 2 with respect to 1 है और मुझे वो दोनों numbers, दोनों mediums अगर change करने हैं तो reciprocal करना पड़ेगा, so mu 2 with respect to mu 1 is 1 upon mu 1 with respect to mu 2, clear है? Very good, अभी next problem में देखो क्या given है, ये air है, ये water है, नीचे water का refractive index given है 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर कर लो होता है 1, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एंगल है, ये एंगल दिस इज साइन इनवर्स 3/5 और हमको फाइंड करना है ये एंगल, तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर मैं सॉल्व करके देता हूं। अभी यहां पर ट्रिक देखो प्रॉब्लम में क्या है, ये जो है ये रे, सी ये रे ऐसा है, मतलब दिस इज इंसिडेंट रे, That means ये जो angle problem में given है, this is I, और जो theta A find करना है, that is R, because ये होगा refracted ray, correct है? ठीक है, अभी देखो again Snell's law कैसे लिखेंगे, mu, मैंने क्या explain किया था, जहां से ray आता है, that is medium 1, उसको ऊपर लिखते हैं, यहां पर ray कहां से आ रहा है, ray water से आ रहा है, इसलिए water ऊपर लिखेंगे, ray कहां पर जा रहा है, air में जा रहा है, इसलिए नीचे लिखेंगे,
विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, करेक्ट। यहां पर साइन इनवर्स 3/5 इज आई, देयर फोर साइन आई यहां से सीधा मुझे मिलेगा 3/5, करेक्ट, सही है। अभी यहां पर देखो, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, मतलब ये गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, अगर मीडियम्स को एक्सचेंज करना है, यहां पर अगर मैं मीडियम्स को एक्सचेंज करूं, मतलब नीचे एयर ऊपर वाटर, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4, साइन आई है 3/5 और हमको फाइंड करना है आर, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, देख कैलकुलेशन, साइन आर आएगा, साइन आर कितना आएगा, 3 कैंसिल, 4/5, और हमको पता है साइन टीटा 4/5 है, तो ये 53 डिग्री होगा, आर मतलब ही अपना टीटा ए, देयरफॉर टीटा ए कितना आएगा, 53 डिग्री, करेक्ट है। तो यहां पर ये ट्रिक इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट कहां से आ रहा है और कहां पर जा रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, तो डेटा साइमल्टेनियसली लिखता हूं, वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इफ स्पीड ऑफ लाइट इन बी इज, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी गिवन है c/3। अभी क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, कि लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम ए एंड इट इज गोइंग इन टू मीडियम बी, ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर होगा, मीडियम ए में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब मीडियम ए में 45 डिग्री है और मीडियम बी में 60 डिग्री है विद नॉर्मल, सो मीडियम ए में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और मीडियम बी में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हो गया अपना काम। और हमको पता है दिस विल बी वी अपॉन वी, अभी देख ऊपर कौन सा मीडियम है ए, तो वी ए, नीचे कौन सा मीडियम है बी, तो नीचे आएगा वी बी, तो ये लिख लेते साइन आई मतलब 45 अपॉन साइन आर मतलब 60 इज इक्वल टू वी ए, फाइंड करना है वी बी इज c/3, तो वी ए कितना आएगा, देखो वी ए आएगा साइन 45 अपॉन साइन 60 इंटू c/3 विच इज साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 इंटू c/3, देयरफॉर वी ए विल बी, कैलकुलेशन देख क्या होगा, ये रूट टू कैंसिल कर दे तो ऊपर जाएगा √2 अपॉन √3, ये तो 3 एज इट इज है और ऊपर c है, सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ये प्रॉब्लम में देखो, एक स्फेरिकल ग्लास है, इंसिडेंट रे गिवन है एट एन एंगल 60 डिग्री विथ नॉर्मल, हमको पूछा है व्हाट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक से देखो अभी डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो सी व्हेन ये रे ऑफ लाइट विल एंटर इनटू दिस मीडियम टू, ठीक है, सबसे पहले तो अगर मीडियम एब्सेंट होता तो ये रे सीधा जाता, नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर से ग्लास में जा रहा है, देयरफॉर लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो देखो लाइट ऐसे बेंड होगा, ये ऐसे, ये लाइट बेंड हुआ, करेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं सरफेस वन, इसको सरफेस वन बोल दे, ठीक है। तो पहले हम लोग सरफेस वन पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, बिकॉज यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सी फॉर सरफेस वन क्लियरली लिखता हूं मैं यहां पर, सरफेस वन के लिए देखो लाइट कहां से आ रहा है, लाइट एयर से आ रहा है और ग्लास में जा रहा है, करेक्ट, तो ये होगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल विथ नॉर्मल, तो ये होगा अपना आर, तो इसको आर वन बोल दे देता हूं, सो दिस इज आर वन, करेक्ट। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, सो दिस इज √3, साइन 60 होगा √3/2, ये होगा साइन आर वन, तो देखो साइन आर वन कितना आएगा, साइन आर वन आएगा हाफ, सो आर वन विल बी 30 डिग्री, करेक्ट। अभी सरफेस टू के लिए चेक करो, सरफेस टू पे क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, हमको पता है कि सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो दिस विल बी नॉर्मल, करेक्ट, ओके।
अगर मीडियम एब्सेंट होता तो ये रे जाता सीधा। अभी रे जो है वो ग्लास से एयर में जा रहा है, जो सेकेंड रिफ्रैक्शन है वहां पर रे ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। सो रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, देयरफॉर ये जो रे है देख, अगर मीडियम एब्सेंट होता तो सीधा जाता, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। और ये जो एंगल होगा ये होगा अपना फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस, करेक्ट है। अभी सेकेंड सरफेस पे देखो, ये जो एंगल है दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो सेकेंड सरफेस है यहां पर ये रे आ रहा है और ये रे जा रहा है, तो ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी अच्छे से चेक करो, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये अगर एंगल आर वन है तो ये भी एंगल होगा आर वन, करेक्ट है। तो सरफेस टू के लिए चेक करो, कहां पे लिखो, इधर लिखो क्या नीचे, ठीक है यहां पर लिख लेता हूं। सरफेस टू के लिए चेक करो, फॉर सरफेस टू, अभी यहां पर अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, अभी देख रे ग्लास से आ रहा है एयर में जा रहा है, तो ये होगा साइन आर वन अपॉन साइन ई, सही लिख रहा हूं, ठीक है। अभी ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मैंने बोला था इसको उल्टा करेंगे, सो दिस विल बी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों मीडियम को एक्सचेंज किया, तो ये होगा साइन आर वन, साइन आर वन मतलब ही सीधा लिख देते, साइन आर वन कितना है, साइन आर वन इज नथिंग बट हाफ, तो साइन आर वन इज हाफ, ये होगा साइन ई, तो साइन ई आएगा हाफ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कितना होगा वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है रूट थ्री, तो साइन ई इज रूट थ्री बाई टू, देयरफॉर ई आएगा 60 डिग्री। समझ में कैसे अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया होगा, तुमको समझ में आया होगा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।